के थोक व्यापारियों के लिए बनाई गई ट्रांसपोर्ट नगर में जगह इन दिनों खाली पड़ी है। कोई भी थोक व्यापारी वहां जाने को तैयार नहीं। व्यापारियों का कहना है कि वहां पर ना तो पानी की सुविधा है और ना ही लाइट की व्यवस्था। साथ ही व्यापारियों की मांग है कि उन्हें खुली जगह दी जाए जिससे उनके ट्रक आसानी से वहां खड़े हो सकें। इन मूलभूत सुविधाओं के बिना कोई भी व्यापारी वहां जाने को तैयार नहीं है। व्यापारी और प्रशासन के बीच की तकरार के चलते लाखों रुपए की कीमती जमीन व्यर्थ पड़ी हुई है जिसका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहीं थोक व्यापारियों के ट्रकों की वजह से आए दिन शहर के रपटे पर जाम की स्थिति बनती रहती है। व्यवस्था हो साहब, और इसके अलावा पुलिस चौकी की व्यवस्था हो, कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था हो, ऑप्शन के लिए प्लेट फार्म की व्यवस्था हो, बाकी प्लाट वगैरह जो कुछ दे वो बाकी दुकानदार जो कुछ डालेंगे वो बना लेंगे उनके हिसाब से। प्लाट आपको कितना बड़ा चाहिए होगा इसमें आपकी सब व्यवस्थाएं चल सके? एक प्लाट कम से कम 30x40 का होना चाहिए। 30 फुट उसकी बताऊँ चौड़ा, 40 फुट चौड़ाई होना चाहिए, 30 फुट गहराई होना चाहिए। क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ आजकल चल रही है 12 चक्का 14 चक्का जिसमें माल आता उसकी 30 से 35 फुट लंबाई रहती है, तो उसी हिसाब से दुकान होना चाहिए। अपने दुकान के आगे गाड़ी लग जाए, दूसरे दुकानदार को तकलीफ नहीं हो, माल भी पूरा अंदर में दुकान में पहुंच जाए। हाँ, माल भी पूरा खाली होने के बाद रोड खाली हो जाए ताकि आने जाने वाली गाड़ियाँ सुचारू रूप से निकल सकें। अच्छा, तो यहाँ आपको इस जगह के हिसाब से कुछ कमी नज़र आती है क्या? कमी तो बहुत है साहब, ये तो रोड पे बैठे हैं, मोहल्ले में बैठे हैं, जो समझे। हाँ सही है, ये तो बस्ती के अंदर बैठे हैं, ये तो कोई मंडी की जगह कौन है, ये तो मजबूरी है। और यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ती है। तो आप लोग अभी मिलने गए थे उनसे मीटिंग में, तो आपकी कुछ बात हुई इस विषय में? इस विषय में कोई बात नहीं हुई, वो तो साफ कर चाह रहे थे कि जहाँ से मंडी में शिफ्ट कर दें। अब उन्होंने देखो बुलाया, दूसरी मीटिंग में कब बुलाते हैं क्या होता है। पहली मीटिंग कब हुई थी? ये कोई करीबन 8:00 से पहले हुई थी, 8 घंटे आचार संहिता लग रही थी जब हुई थी। नहीं नहीं, उससे पहले ही एक आध महीना हो गया। हाँ हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया। मीटिंग वगैरह नहीं हुआ, शिक्षा के लिए बुलाया था उन्होंने। तो किसने बुलाया था? बात करने के लिए किसने बुलाया था? मंडी वाले इकट्ठे होके गए थे साहब। कौन के पास? नगर पालिका के पास, क्या वाली जगह थे। फिर क्या हल निकला वहाँ पर?